अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं बोशर गोबरा में, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे हजरत अली के कदम लगे हैं, और ये बहुत ऊंचाई पे है। और हम सब फ्रेंड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किधर से आए हैं और हमने जाना किधर है। ये देखिए नीचे जाएगा, ये बहुत नीचे है। अभी कैमरे में शायद थोड़ा हाइट कम लग रही हो, पर ये हम तकरीबन को 30 मिनट चल के यहाँ तक पहुँचे, और आगे मज़ीद तकरीबन 30-40 मिनट का रास्ता आगे है, जहाँ के ऊपर इस जो चोटी नज़र आ रही है, इसके पीछे करके वो जगह है जहाँ पे हज़रत अली के पाँव मुबारक लगे हैं। और हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी वो सआदत नसीब हो कि हम हज़रत अली के पाया मुबारक देख सकें जहाँ पर उनके निशान हैं। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाते हैं वो कैसी जगह है और पाँव कैसे हैं, कैसा निशान है वो। मीटर में कह रहे 30-30 थोड़ी जी, तकरीबन हाफ वे हम गुजर के ऊपर आ गए। अभी आधा रास्ता रह गया, और ये जो आधा है ये ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये ऊपर कैसे जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक रास्ता बनवाए। हाँ, गाड़ी आनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारे साथ छोटे शाह हैं, और ये अभी हम आपको नीचे दिखा देंगे कितना दूर आ गया। और ये बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आप डेयरिंग हैं और आप हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की चाहत है आपके दिल में, और आप चाहते हैं कि जिन जगहों पे उन्होंने सैर की है, जहाँ जिन जगहों पर वो घूमे हैं, उन जगहों पे जाना चाहिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, ओह मैं आते नहीं याद, मैं अद्धा हो गया। या अली मदद, चलो चलो कमर थोड़ा आराम ना जानी है, ज़्यादा डेंजर है। ये देखें, किसी मलंग ने, किसी आशिक ने हज़रत अली के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही ऊंचाई पर प्यार करने वाले, चाहत करने वाले देखिए अपने निशान छोड़ जाते हैं, माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए भाई, काफ़ी ऊंचाई पे आ गया, तकरीबन यहाँ तक आने में 40-50 मिनट लगे। और ये किसी आशिक ने हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और अभी हमें मज़ीद आगे जाना है। गलां कर दी गई, स्लिप हो जाता बंदा, तो फायदा नहीं। उस मान तू ठहरा ही रहो। नहीं नहीं, बैग क्या तू है वे किधर नू जाता वे। सलामुअलैकुम। ये आप ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ये कदमों के निशान है, ये देखें। ये बहुत ऊंचाई की पहाड़ी के ऊपर है, ये हमको 1.5 घंटा लगा ऊपर चढ़ने के लिए। ये देख सकते हैं आप, करो ज़ियारत और बहुत